focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. God sent opportunity है. आप किसी में भी तुलना नहीं कर सकते. मुझे कई बार बुरा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग मुझे जस्टिस कहते हैं. मैं भी आम आदमी हूं और मुझे आम आदमी की तरह जीने का अधिकार है. दिक्कत आज समाज में यह सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हम हमारे सर पर उस पोस्ट का बोझ लेकर के घूमते हैं. इसलिए फ्रेंड्स, जो आप नई सर्विस में ज्वाइन कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर एंड एज ए लॉयर या एज ए जज, मैंने हमेशा माना है, इट इज नॉट आई एम डूइंग समथिंग, इट इज द गॉड हु इज डूइंग समथिंग. और इसके लिए मैं आपको छोटी सी कहानी कहूंगा. मैंने काम क्या किया उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी. और मैंने अपना काम करते समय ये एक बात का ध्यान रखा कि जो निर्णय मैं ले रहा हूं वो मैं नहीं हूं, ईश्वर ले रहा है. ये कभी गलतफहमी इंसान को तो होनी नहीं चाहिए कि ही इज डूइंग समथिंग. और इसकी बेस्ट स्टोरी है ये. ये डॉक्टर शैलेश मेहता है पूना में, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं. पार्थ के डॉक्टर फ्रेंड से एक नरेटिव कहा, वो आप सब लोगों के ध्यान में रखने के लिए योग्य है और वही डिफिकल्ट डिसीजन के टाइम पे काम आता है. उनके पास में एक पेशेंट आई, लड़की 6 साल की, उसके माँ बाप के साथ. उनके जूनियर सारे प्रोसेसिंग करते थे और ये तय करते थे कि ये डॉक्टर मेहता के लायक केस है या नहीं है. जब प्रोसेसिंग हो गया, बच्ची और उसके माँ बाप उनके चैम्बर में गए पेपर देखने के बाद डॉक्टर मेहता ने कहा कि लॉस्ट केस. तो उन्होंने पेरेंट्स ने पूछा कि क्या हुआ, कि ये बच्ची 3 महीने से ज्यादा नहीं जी सकती. ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन करने में 30% चांसेस है सर्वाइवल के, उससे ज्यादा नहीं है. तो पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं है, 30% चांस हम देने को तैयार हैं. पिता तो चले गए अपने काम पर, बेटी को उनकी मां के साथ छोड़कर के हॉस्पिटल में. 7वें दिन सर्जरी होनी निश्चित हुई. 7वें दिन थिएटर में ले जाया गया लड़की को. डॉक्टर साहब ने हाथ फेरा उसके सर पे, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो उस बच्ची ने जो सवाल किया, और वो सवाल आपके सामने जहां पर भी आप काम करते हैं, वो इंसान जो आपके सामने खड़ा है वो ये सवाल करता है. बच्ची ने पूछा, डॉक्टर साहब आप मेरा हार्ट ओपन करेंगे? डॉक्टर ने कहा हाँ, हार्ट तो ओपन होगा. क्या पूरा खोलेंगे? हाँ पूरा खोलेंगे. कि उसमें आप देखिएगा कि भगवान कैसा दिखता है. मेरे हृदय में भगवान कैसा दिखता है ये जरूर देख के मुझे बताइएगा. इसका कारण था कि 6 दिन में बच्ची की मां ने उसको कहा था कि बेटा भगवान सब कुछ ठीक करेगा. तो बच्ची के मन में ये क्यूरियोसिटी थी कि भगवान कैसा दिखता है, ये तो मालूम गुरु है. डॉक्टर ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा बिल्कुल. 2 मिनट बाद में उसने फिर पूछा कि आप मेरा हार्ट पूरा ओपन करेंगे ना? तो डॉक्टर ने सोचा कि उसको शायद पेन होता होगा इसलिए ये पूछ के. उसने कहा बेटा कोई पेन नहीं, हम आपको दवाई देंगे. कह देंगे आप ये जरूर ध्यान रखना कि भगवान कैसा दिखता है ये मुझे बता देना. हार्ट ओपन हो गया जैसे जूनियर्स करते हैं हार्ट सर्जरी में. डॉक्टर ने देखा कि ब्लड बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब सारी आर्टरीज ब्लॉक थी. 5-7, 10 मिनट, 15 मिनट कोशिश करने के बाद भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि बंद कर दो, दिस ऑपरेशन हैज फेल्ड. फिर उनको ध्यान में आया कि जब बच्ची ने मुझे पूछा था कि भगवान कैसा दिखता है इसका जवाब क्या दूंगा मैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने अपनी नस से रुमाल लिया और चश्मा उतार करके पहुंचने लगे. 1 मिनट के अंदर उनके जूनियर ने उनको पीछे से पुश किया कि सर ब्लड इज स्टार्टेड फ्लोइंग. उन्होंने देखा कि वाकई में ब्लड आना चालू. उन्होंने इमीडिएटली कहा पंप्स, पुट पंप्स एंड मशीन्स.
ऑपरेशन किया 7 घंटे तक, उस बच्ची का सारी आर्टरी ब्लॉक थी, और ऑपरेशन के बाद में कहा कि नाउ शी विल सर्वाइव अप टू 60 इयर्स। लेकिन रियलाइजेशन क्या हुआ डॉक्टर शैलेश मेहता को, वो इंपॉर्टेंट है। वो रियलाइजेशन हर इंसान को करना आवश्यक है। अनफॉर्चुनेटली हम जिंदगी में 24 घंटे में से 22 घंटे भूल जाते हैं भगवान है, मैं हूं। सोचिए कि मैं हूं। डॉक्टर मेहता ने कहा अपने फ्रेंड को कि फ्रॉम दैट डे आई रियलाइज इट इज नॉट हु इज सेविंग द पेशेंट, इट इज द ऑलमाइटी गॉड हु इज सेविंग द पेशेंट। अपने चैम्बर में, ऑपरेशन थिएटर में भगवान की फोटो लगाई और कहने लगे कि उसके बाद जब ही मैंने ऑपरेशन किया तो भगवान से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करिएगा। वकील के तौर पे तो गरीबों के मुकदमे लड़ने पड़ते हैं, डॉक्टर के तौर पर पेशेंट का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जज के तौर पर निर्णय करना पड़ता है, हरेक को अपने अपने क्षेत्र में काम करना पड़ता है। ये सही है कि न्यायपालिका में काम करते समय कई बार बहुत मुश्किल परिस्थितियां आई, लेकिन उन परिस्थितियों का सबका एक ही उत्तर हमेशा मुझे मिला, जो मेरे पेरेंट्स ने दिखाया था, मेरे गुरु ने सिखाया था, भगवान पे छोड़ दो, ये मत सोचो कि तुम निर्णय कर रहे हो, इट इज द ऑलमाइटी हु इज ड्यूरिंग द डिसीजन। और जब 2G का था, आपने सही कहा 2G के निर्णय के समय पे, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यालय भी उसमें नाम आ रहा था, मिनिस्टर्स के नाम आ रहे थे और उद्योगपतियों के तो आ ही रहे थे, कभी भी हमें दिक्कत महसूस नहीं। बहुत सारी चिट्ठियां लिखी लोगों ने, हमें पट भ्रमित करने के लिए बहुत सारी चिट्ठियां आई उस समय, लेकिन हमेशा एक ही मैंने मेरे कलीग को भी कहा जस्टिस गांगुली को, रिमेंबर दैट द डिसीजन विल बी रेंडर्ड बाय ऑलमाइटी गॉड नॉट बाय अस। इसी तरह से एक था डेथ सेंटेंस का केस, एक जस्टिस एमबी शाह थे गुजरात से, जैनी है वो भी, वो कभी डेथ सेंटेंस में बिलीव नहीं करते थे। तो उसमें जो मेन निर्णय हुआ था डेथ सेंटेंस को, उसमें भी जस्टिस माफ करिएगा तो